वड्डे वीर सरदार बलदेव सिंह जी जीरा जिहड़े नौजवान आगू ने बड़े नतड़क आगू ने सूबा जनरल सकत्तर बीके यू क्रांतिकारी सरदार बलदेव सिंह जी जीरा संगतां दे नाल अपने विचार रखणगे जी। बहुत बहुत धन्नवाद सैकटरी साहब। तकरीबन 27-28 दिन तो मैं पंजाब सी। कुछ सवाल जिहड़े साडे इत्थे मन च आ उहो ही साडे पंजाब दे च बैठे भरावां दे मन च आ। पहला सवाल इस अंदोलन का की बनू, जित्तांगे कि नहीं जित्तांगे। दूसरा सवाल नौजवान वापस आउणगे, नौजवान उस उत्साह नाल मोर्चे च कुदणगे। ते तीसरा सवाल मोर्चा भी चलदा रखना ते फसल भी सांभणी आ। तकरीबन भराओ साढ़े सारयां दे मन दे विच, सारयां दे दिमागां दे विच तिन्ने सवाल घुम्मदे आ। तकरीबन एक महीने अंगू पंजाब गए हाँ, उत्थे जाके नौजवानां नाल भी गलबात कीती आ, किसानां नाल भी गलबात कीती आ, ते मजदूरां नाल भी गलबात कीती आ। सब तो पहली गल मैं थोड़े नाल सांझी करां नौजवानां वाली। इहदे विच कोई शक नहीं कि एक बार साढ़े नौजवान कुछ निराशता विच आए आ, पर निराशता विच आउण दा इह मतलब नहीं उह साढ़े मोर्चे वालों कंड घुमा गए आ। उह अज भी पूरे डट के साढ़े मोर्चे नाल खड़े आ। ते आउण वाले दिनां च तुसीं देखिआ जे जिवें पहलां आपां रोकदे हुंदे सी वी मुंडिओ डैक ना लाओ, आपां हटाउंदे हुंदे सीगे, ते बड़ा वधिया माहौल बणिआ होइआ सी। ओहो ही पुराना माहौल तुहानूं नौजवान इत्थे फिर दिखाउणगे इन्नी वड्डी गिणती विच आउणगे आउण वाले दिनां च। दूसरी गल वी मोर्चा जित्तिआ जाऊ कि नहीं जाऊ, इहदे संबंध विच मैं तुहानूं कुछ गल्लां दस्सणियां। गल्लां सुण के अंदाजा तुसीं आप ही ला लिया जिवें असीं जित सकांगे कि नहीं जित सकांगे। पंजाब जाके जदों किसे पिंड च गए आ ते पिंड वाले अगों सब तो पहली इह गल दस्सदे सी साडे पुछण तों बिना ही, क्योंकि उहनां नूं पता सी वी प्रधान हुणी आए आ, इह पुछणगे वी किन्ने बंदे दिल्ली आ ते किन्ने इत्थे आ। असीं मूँह चों गल नहीं कढ़दे सी, उह पहले ही कह दिंदे सी प्रधान दसां बंदिआं दा जथा उत्थे बैठा, अगला पूर तैयार आ, बेफिक्र हो जाओ। साडे लोग एड्डी वड्डी पद्धर ते तैयारी करी बैठे आ बई असीं जिहड़े भरा उत्थे बैठे आ उहनां दीआं फसलां किवें सांभणियां, तूड़ियां किवें सांभणियां। दो दो महीनों तक दे लिस्टां ते नां लिखी बैठे आ वी आह जथा इन्नी तरीक नूं जाणा, आह इन्नी तरीक नूं। जदों साडी तैयारी एड्डी वड्डी आ, बागे पुराने असीं, इहदा मतलब की आ कि ना तां साडे लोक ढिल्ले पए आ, ना अक्के आ ते ना थक्के आ। जिहड़ा साडे मन च जनून आ बई असीं मोदी नाल साडा पंगा पिआ, असीं इहनूं हरा के ही मुड़ना, इह साडे सारिआं दे उत्ते दिमागां दे उत्ते गल चढ़ी होई आ रील। इह एक होर उदाहरण, जड़े मोगे इलाके नाल संबंधित साथी उह जानदे आ, डकरू नेड़े अडानिया का एक बहुत वड्डा सैलो आ जिथे 40 लाख बोरी वह जमा कर लेंदे आ। अपने एक किसान जथेबंदी 4 महीने तो बैठी हुई सी उत्थे,
पर की होया अडानी उतो तीन गड्डिया भर के लै गए। मैं लोगों के नौजवानों के उत्साह की गल दसदा थोनू, चौथी गड्डी भरन लगे कोई मुंडा उधर दी लंघन लगा क्योंकि वह इलाका थोड़ा जहा इतों गड्डिया भर दे यार्ड भी आवान जहा कल्ले मुंडे ने जाके गड्डी रोक ली, रोक के गड्डी गड्डी दे मूहरे खड़ गया। मैनू फोन लाता ना प्रधान दसो अडानिया की गड्डी लंघन देनी है कि नहीं। हुण आपां अडानिया बारे अंबानिया बारे फैसला की किया हो अपने संयुक्त मोर्चे ने भी ना तो असीं इहनां दा कोई सैलो चलण देना, ना कोई तेल पंप चलण देना ते ना कोई शॉपिंग माल चलण देना। फिर असीं उत्थों गड्डियां भरन दे दिए जां गड्डियां ते ढोआ ढवाई करके आपदा कारोबार चला लैण, यह तो फिर जगों तेरहवीं गल आ। इत्थे असीं दिल्ली घेरी बैठे हाँ, अबानिया अडानिया नूं ललकारी बैठे हाँ भी थोनू पंजाब च खंघन नहीं देंगे। तो साडे पंजाब चों जिथे यह अंदोलन उठिया जिन्हें अंदोलन का मुढ़ बनिया तो अंदोलन अज भारत पद्धरा बन गया उतों राम ने गड्डिया भर के लै जाण, असी इहनू भराओ नक का सवाल समझिया। असी ऐलान किया भी एक भी गड्डी नहीं जान देनी। उदों ही संयुक्त मोर्चे का जिहड़ा साडा ग्रुप बनिया वा 32 किसान जथेबंदियां दा उत्ते उहदे कॉल करती भी भाई आ गड्डी रोक ली आ। सो भराओ तुसीं हौसले की गल कर रहा सी, मैं साडे नौजवानां दे साडे किसानां दे हौसले वेखो, घंटा एक लग गया मैनूं उत्थे पहुंचण वास्ते। मोगे जिले का सारा पुलिस प्रशासन मेरे जान तो पहला खड़ा सी ते अपने गड्डी रोकने वाले 10 मुंडे सी बस। दसा मुंडिया ने गड्डी नूं हिलन नहीं दिता। तो एक जिहड़ी पंजाब सरकार की मैं गल जरूर कहना चाहुंदा थोनू, ये अडानिया अबानिया अगे किवें गोडे टेकी बैठी आ, उहदी जारा उदाहरण यह आ भी गड्डी घेरी की खबर मगरों पहुंची सारा प्रशासन जोर ला लिया, सारे प्रशासन ने भी किवें ना किवें ये गड्डी छड़ा दिए। बार बार सानू कहिंदे रहे भी प्रधान जिहड़ी हुण नहीं भर दे गए आ जिहड़ी भरी आ इक चले जाण दिओ, पर आपां अपने फैसले अनुसार गड्डी रोकी। हुण इंजन जिहा ला के लै गया ते गड्डी अंदर कर ली उन्हां ने, गड्डी चों माल नहीं लाया, इसे ताक चा भी किवें ना किवें करके असी ये जिहड़ी ढोआ ढवाई जारी कर दिए। पर भराओ आपां पंजाब दे रहण वाले आ, आपां पिंडां च रहिंदे आ, ते साडा इक बंदा कहिंदा हुंदा सी, कहिंदा जे दुनिया दे विच कोई सुची लड़ाई वेखणी होवे जां सुची दुश्मनी वेखणी होवे ते उह जट दी हुंदी आ। उदाहरण की दिंदा सी उह भी जदों दो जट आपस में लड़ पैंदे आ, दो किसान आपस में लड़ पैंदे आ, अगला उहदी वट तों नहीं लंघदा ते ना अगला लंघण दिंदा, इहनूं उह कहिंदा सी इह सुची दुश्मनी आ। ते सानूं भी लोड़ आ, इन्ना कुछ दा ते लाई बैठे हां असीं, करोड़ां रुपया खर्च हो गया साडा, घरां दे घर असीं खोलते मोर्चे वास्ते। अबानिया अडानिया नाल साडी दुश्मनी सुची होनी चाहीदी आ। इन्ना कुछ दा ते ला के 225-250 बंदा साडा भरा इस दुनिया तो चला गया, ते हुण जिहड़ी सुची दुश्मनी आ उहदा जे सही सिट्टा लैणा, जे असीं चाहुणे आ भी असीं जिहड़े साडे किसान इन्ने शहीद हो गए, जिहड़ा साडा करोड़ां रुपया खर्च हो गया, साडा समा शक्ति जिन्ना खराब हो गया, जे असीं तिन्ने कानून रद्द करा के नहीं जांदे, MSP दी गरंटी नहीं करा के जांदे, ते भराओ सही सिट्टा नहीं होणा। इस करके आपां अडानियां नूं ते अबानियां नूं तुहाडे हौसले नाल
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਗੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਭਰਾਓ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਿਆਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਜੂਗਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਭਰਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਟੱਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ